एक किंग जो गे है अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड को सोने के लिए कहता है। ये सब कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि किंग अपने फ्रेंड से प्यार करता था और इसके बाद लव, बिट्रेयल और रिवेंज इसकी एक टेल स्टार्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अफ्रोजन फ्लावर, ये 2008 की एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते हमें बताया जाता है कि एक किंग छोटे लड़के को ट्रेन करता था। ये बड़े होकर हमेशा उसे गार्ड करते थे, ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंग का बचपन में एक फ्रेंड बना जिसका नाम था हॉन्ग। हॉन्ग को उसने ट्रेन किया, इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप बनी। ये एक साथ म्यूजिक बजाते थे, सब कुछ चीजें एक साथ करते थे। अब इसके बाद ये दोनों बड़े हो चुके हैं। इनके पैलेस का एक आदमी एक सर्वेंट से बहुत प्यार करता था और उसे लेकर यहाँ से दूर भाग रहा था। हॉन्ग उसका पीछा करता है, फिर से पैलेस में लेकर आया। किंग से धोखा करने की सजा डायरेक्टली मौत है। जो भाग गया था ये हॉन्ग का फ्रेंड है। हॉन्ग ने किंग से कहा कि प्लीज उसे इस तरीके से कोई भी पनिशमेंट मत देना। किंग गे था और वो हॉन्ग से प्यार करता है, इसी वजह से उसका सब कुछ कहना मान लेता है। पैलेस में आकर हॉन्ग ने डिक्लेयर किया कि हमारे फ्रेंड को कोई भी मारेगा नहीं। यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नाम है नोता, इसे प्रॉब्लम होती है। वो कहता है सजा सजा होती है। किंग के कानों में खुसफुस कर उसके डिसीजन बदलना बंद कर दो। उस पर बहुत ही गुस्सा था। किंग और हॉन्ग जब अकेले थे तो किंग हॉन्ग से पूछता है, तुम भी तो बहुत सालों से मेरे साथ हो, क्या अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तुम भी किसी के साथ भाग जाते? हॉन्ग कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद किंग से मिलने के लिए क्वीन आई। वो कहती है एम्परर यहाँ पर आने वाला है, यानी कि किंग के ऊपर किसी और का राज है। एम्परर आने पर क्वेश्चन करेगा कि किंग को अब तक कोई भी सन नहीं, अगर ऐसा हुआ तो किंग को बदल दिया जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किंग के पास अब तक कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वीन जब बाहर आई तो हॉन्ग से बात करती है, कहती है ज्यादा किंग के करीब मत रहा करो, तुम पर भी लोग शक ले सकते हैं। क्वीन को किंग और हॉन्ग के बारे में सब कुछ पता था। अगले दिन किंग और क्वीन ये बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। वो जब क्वीन से फर्स्ट टाइम मिला था तो उसने क्वीन को बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस दिया था, वो आज भी पहन रही है। किंग को ये बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है तुमने मेरे लिए गाना गाया था, आज भी गाना गाओ। क्वीन भी ब्यूटीफुल सा सिंग करती है। तभी इन पर हमला हो गया। इस हमले में हॉन्ग किंग को प्रोटेक्ट करता है पर किंग इंजोर हो गया। इनका सेनापति हॉन्ग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, कहता है तुम्हारा जॉब है किंग को प्रोटेक्ट करना। किंग जख्मी हालत में था पर फिर भी कहता है कि हॉन्ग नहीं होता तो मेरी डेथ हो जाती है। हॉन्ग को बहुत बुरा लगा। हॉन्ग ने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया। उसे पता चला कि उसके पैलेस के कुछ लोग इसके पीछे थे और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो डायरेक्टली एम्परर के लिए काम करते हैं। इन सब का मिलकर किंग बदलने का प्लान है। जब तक हॉन्ग 100% श्योर नहीं तब तक कुछ भी कर नहीं सकता। इसके बाद एम्परर आया। किंग को कोई भी बेटा नहीं तो किसी और को किंग करने वाले थे पर क्वीन कहती है अब तक किंग यंग है, इन्हें कभी भी बेटा हो सकता है। रात में इसी इशू को लेकर क्वीन किंग के पास आई थी। वो कहती है हम प्रिटेंड करेंगे कि एक साथ सोए थे। किंग कहता है हमारे पास और एक ऑप्शन है। वो हॉन्ग पर ट्रस्ट करता है और हॉन्ग क्वीन के साथ इंटीमेट हो सकता है। अगली रात सब अरेंजमेंट किया गया। हॉन्ग ने क्वीन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की पर वह बात कर नहीं पाया। अगले दिन ये बात किंग को बता देता है। किंग कहता है तुम्हारे पास और दो चांस है, अब सही से करना। हॉन्ग ने पूछा कि आपने मुझे क्यों चूज किया? किंग कहता है तुमसे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। रात में जाकर फिर वो क्वीन के साथ इंटीमेट हो जाता है। किंग इन्हें इंटीमेट होता देख रहा था। अगले दिन किंग ने हॉन्ग से पूछा किसी लड़की के साथ होना कैसा था? हॉन्ग कहता है मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा था। ये सब वियर्ड है तो उसने कहा कि आप पर जो हमला हुआ था उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। हॉन्ग ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो की पर उसे क्वीन की याद आ रही थी। वो रात में सो भी नहीं पाता। बहुत दिन हो चुके पर फिर भी वो वापस नहीं आया। किंग उसके लिए वरीड था तो अपने कुछ आदमियों को भेज देता है। जो भी अटैक हुआ उसमें क्वीन का नेकलेस टूट गया था। उसी तरीके का नेकलेस हॉन्ग ने इस टाउन में देखा तो क्वीन के लिए बाय कर लेता है। किंग के आदमी उसे फिर से घर ले जाने के लिए आए पर फिर भी वो रेडी नहीं था। रात में उसे पता चला कि क्वीन की तबीयत जरा खराब है। वो फिर तुरंत पैलेस आ जाता है।
किंग क्वीन को देखने के लिए गया था। वो कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्वीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ जरा बीमार थी। किंग जब भी बीमार पड़ता था तो हॉन्ग उसे एक स्पेशल ड्रिंक देता है। किंग ने अपने लोगों से कहा कि वही ड्रिंक क्वीन को दीजिए। वो कहते हैं हॉन्ग ने सुबह ही क्वीन को दिया था। किंग सरप्राइज्ड हो गया कि हॉन्ग उसके पीछे क्वीन से मिल रहा है। रात में हॉन्ग से बात करता है, कहता है तुम्हारा ड्रिंक लेकर क्वीन के पास जाओ। हॉन्ग ने उसे सच बताया नहीं। वो कहता है कि रॉयल सर्वेंट सब कुछ सही से कर लेंगे। अगले दिन किंग ने क्वीन और हॉन्ग को बुलाया, कहता है क्वीन की तबीयत लास्ट टाइम बहुत ही बिगड़ गई थी, अब थोड़े टाइम तक इन दोनों को गैप देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वीन और हॉन्ग में अट्रैक्शन हो चुका था। वो उसे मिलने के लिए गया, उसने जो नेकलेस लाया है उसे दे देता है। रात में किंग को बेटा हो इसके लिए पैलेस में एक बड़ा सा फीस्ट था। क्वीन की दासी आकर हॉन्ग से बात करती है, लाइब्रेरी में हॉन्ग को क्वीन से मिलना है। ये दोनों मिले और वही इंटीमेट हो गए। क्वीन ने हॉन्ग को एक हैंकरचीफ दिया, कहा इसे हमेशा अपने पास रखना। अगले दिन फिर से उसे यही मिलने वाली है। किंग को पता चला कि उस पर जिसने हमला किया था उसका मिनिस्टर है, तो आज रात उस पर नजर रखने के लिए हॉन्ग को भेज दिया जाता है। हॉन्ग को एक्चुअल में क्वीन से मिलना था पर वो आज रात मिल नहीं पाया। अगले दिन क्वीन का ब्रदर यहाँ आया है, वो कुछ दिनों के लिए क्वीन को अपने घर लेकर जाना चाहता था। किंग भी कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना। किंग के पास एक बहुत ही अच्छा सा हॉर्स आया, ये हॉर्स वो हॉन्ग को गिफ्ट देने वाला था। वो हॉन्ग का गार्डन में आने के लिए वेट करता है, पर हॉन्ग अब क्वीन के पास था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। किंग ने उसका बहुत वेट किया, रात हो गई पर फिर भी हॉन्ग वापस नहीं आया। अब क्वीन थोड़े दिनों के लिए बाहर जाएगी तो मिल नहीं पाएंगे, तो उसने हॉन्ग को ड्रिंक ऑफर किया। वो कहती है तुम हमेशा किंग के साथ रहते थे, मैं बहुत ही जेलस हो जाती थी। क्वीन ने हॉन्ग के लिए स्पेशल राइस केक भी बनवाया हुआ है। ये दोनों आज बहुत ही सैड थे, एक दूसरे को लाइक तो करते पर कभी भी एक साथ हो नहीं सकते। रात में हॉन्ग बहुत ही लेट वापस आया तो किंग उसे पूछता है तुम कर क्या रहे थे? हॉन्ग ने कहा कि मैं लाइब्रेरी में था, बैटल के बारे में एक बुक पढ़ रहा था। किंग ने इस बुक के बारे में सब कुछ डिटेल पूछे, पर हॉन्ग रेडी था, उसने सब कुछ सही सही बता दिया। किंग कहता है अगर तुम्हें बैटल के बारे में इतना सब कुछ पता है तो मुझसे लड़ो, मुझे किंग की तरह मत समझना, सही से लड़ना। फिर ये दोनों स्वॉर्ड फाइट करते हैं, इसमें हॉन्ग किंग पर वार कर नहीं पाया। किंग कहता है तलवार चलाने में सोल लगती है, कोई टेक्निक नहीं है। उसे समझ गया था कि उस पर चीट कर रहा है, उसे लॉयल्टी दिखाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस के कुछ लोग जो किंग के खिलाफ है, इनकी मीटिंग चल रही थी। इन्होंने डिसाइड किया कि किंग को ओवरथ्रोन करने के बाद वो क्वीन के ब्रदर को किंग बनाएंगे। इस मीटिंग में क्वीन का ब्रदर भी था। किंग को ऑलरेडी सब लोगों के बारे में पता है पर क्वीन के ब्रदर के बारे में पता नहीं था। वो हॉन्ग को भेजता है और मिनिस्टर लोगों पर ही हमला करते हैं। इनसे सब कुछ पूछा गया तो इन्हें क्वीन के ब्रदर के बारे में पता चला। किंग इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है पैलेस में एक फीस दो, जो भी ट्रेटर है इन सबको बुलाएंगे और वहां मार डालेंगे, सिर्फ क्वीन का ब्रदर यहाँ नहीं होगा, उसे जाकर उसके घर में मारेंगे। ब्रदर को मारने का ऑर्डर ये हॉन्ग को दिया गया। हॉन्ग बेचारा बहुत ही टेंशन में था कि क्वीन के ब्रदर को कैसे मार सकता है। पैलेस में फीस्ट हुआ और किंग ने सब लोगों को मार डाला। हॉन्ग क्वीन के ब्रदर के पास तो गया पर उसने उसे छोड़ दिया, कहा कि हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। किंग स्मार्ट है, उसने ऑलरेडी अपने लोगों को बता दिया था कि अगर हॉन्ग ने ऐसा कुछ किया तो वो जाकर क्वीन के ब्रदर को मार डालेंगे। वो किंग को दिखाने के लिए डायरेक्टली उसका शहर ही निकाल लाते हैं। क्वीन घर पर वापस आ गई थी। रात में वो और हॉन्ग फिर से मिले, उसे पूछती है क्या तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला? हॉन्ग कहता है मैंने उसे जाने दिया। नेक्स्ट डे किंग ने फिर से हॉन्ग और क्वीन को बुलाया हुआ था। वो कहता है अब हम फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट करेंगे, पर इस बार हॉन्ग क्वीन के साथ इंटीमेट नहीं होगा, किसी और को भेजेगा। क्वीन इससे अपसेट हो गई, वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरा अपमान है। किंग कहता है कि तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने डिसीजन क्यों लिया है, यानी कि उसने उन्हें बता दिया कि उसे सब कुछ पता है। रात में क्वीन ने हॉन्ग को बुलाया, कहती है हम यहाँ से भाग चलते, हम कहीं भी रह सकते हैं।
हॉन्ग ने जो भी किया था इसका उसे पछतावा हुआ। वो कहता है अब से मैं सिर्फ किंग के साथ ही रहूंगा। वो किंग के पास आया, उसे अपोलोजाइज करता है, कहता है कि मैं डेथ डिजर्व करता हूँ, मैंने जो भी किया ये बहुत ही गलत था, अगर आपको लगे तो मुझे मार डालिए। किंग कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। हॉन्ग अपने घुटनों पर ही उसी गार्डन में बैठा रहा। इसे ही एक दो दिन गुजर गए। किंग फिर हॉन्ग को बुलाकर कहता है ये जाओ और बॉर्डर पर सर्व करो, जब तुम वापस आओगे तब हम देखेंगे। हॉन्ग के रिजेक्शन के बाद क्वीन बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, उसने व्रिस्ट काट कर सुसाइड करने की कोशिश की। अब इस सब चीजों को थोड़े दिन गुजर चुके हैं, किंग और हॉन्ग फिर से पहले की तरह फ्रेंड बने हैं। एक दिन हॉन्ग को क्वीन ने फिर से मिलने के लिए बुलाया, कहा कि सिर्फ एक बार मिलने के लिए आ जाओ। हॉन्ग किंग के साथ ही सो रहा था, रात में उठकर चला जाता है। क्वीन उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर किसी को भी पता चला तो किंग उसे मार डालेगा। हॉन्ग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो इस चाइल्ड को वेलकम करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वहां से जा रहा था पर क्वीन रोकर उसे गले लगा लेती है। ये दोनों फिर इंटीमेट होने लग गए। किंग ने नोटिस किया कि हॉन्ग उसके पास नहीं तो उसे ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में आ जाता है। इन दोनों को उसने इंटीमेट होता देख लिया। किंग बहुत ही गुस्सा हो गया, हॉन्ग से कहता है तुमने मुझसे कहा था ये सब कुछ फिर से नहीं होगा। क्वीन कहती कि सब कुछ मेरी गलती है, मैंने उसे सीड्यूस किया था। हॉन्ग ने कहा कि ऐसा नहीं, मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ इसीलिए सब कुछ हुआ। प्यार के बारे में सुनकर किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसने हॉन्ग के प्राइवेट पार्ट को कट कर देने का ऑर्डर दिया। बाद में किंग को क्वीन की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, वो अपने आदमी से पूछता है कि ये बात किसी को भी पता ना चले, वो बेटा मेरा हो इसके लिए क्या करना चाहिए, अब जिसको भी पता है इन सबको ये मार डालेंगे। किंग हॉन्ग को मार नहीं सकता तो रात में उसे मिलने के लिए आया। उसे कहता है जैसे चीजें पहले थी वैसे सब कुछ हो सकता है अगर तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाओ, पर हॉन्ग ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्वीन को जब पता चला कि किंग उसके चाइल्ड को एक्सेप्ट करेगा तो उसे पता है कि सब लोग मारे जाएंगे। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि जाओ और हॉन्ग को बचाकर यहाँ से दूर लेकर जाओ। वो लोग हॉन्ग को बचाने के लिए गए। हॉन्ग कहता है क्वीन कहाँ है, उन लोगों ने कहा क्वीन भी आगे चली गई है। हॉन्ग फिर इसके लिए मान जाता है। घर से बहुत दूर जाने के बाद उसे पता चला क्वीन ने सिर्फ उसे सेव करने के लिए झूठ कहा था। किंग को पता चला कि क्वीन ने यह सब कुछ किया है तो उसे बुला लेता है। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि हॉन्ग कहाँ है तो बहुत बुरा होगा। क्वीन कहती कि मुझे मार डालो पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। किंग कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, मैं बदला लूंगा, तुम्हारे बेटे को एक ट्रेटर के बेटे की तरह बड़ा करूंगा, तुम हमेशा तड़पती रहोगी। क्वीन फिर भी कुछ भी नहीं बताती। हॉन्ग से रहा नहीं जाता, वो क्वीन को लेने के लिए पैलेस में आ रहा था। क्वीन के लोग कहते हैं तुम उसे अब सेटिस्फाई कर नहीं सकते, जाकर क्या फायदा। फिर भी हॉन्ग वहां से निकल गया। किंग के आदमियों ने इनकी जगह को ढूंढ लिया था, ये सब लोगों को मार डालते। हॉन्ग आगे चला गया तो बच जाता है। बाद में हॉन्ग ने रियलाइज किया कि अगर वो फिर से पैलेस में गया तो सब कुछ चीजें सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेगा। वो वापस आया पर देखा किंग के आदमियों ने क्वीन के सब लोगों को मार डाला था। अब उसे लगा क्वीन को बचाना पड़ेगा, वो वहां सेफ नहीं है। उसे बचाने के लिए जल्दी से निकल पड़ता है। क्वीन के साथ मिलकर हॉन्ग को बचाने के लिए पैलेस के जिन भी लोगों ने हेल्प की थी किंग ने उन सब लोगों को मार डाला, उनके सर ये पैलेस के सामने लटका दिए। हॉन्ग का फ्रेंड भी इसमें था, ये सब देखकर हॉन्ग बहुत रोता है। रात में हॉन्ग पैलेस में घुस गया, उसे जिसने भी रेजिस्ट किया उन सबको मार डालता है। फाइनली किंग के पास आ गया, उसने कहा तुम्हारी स्वॉर्ड उठाओ, मैं तुम्हें फाइटिंग का चांस देना चाहता हूँ। ये दोनों फिर बहुत फाइट करते हैं। किंग कहता है क्या तुम्हें सचमुच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। हॉन्ग ने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। किंग पूछता है क्या प्यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हॉन्ग ने कहा तुम्हारी वजह से मुझे प्यार हुआ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। ये दोनों बहुत लड़े, किंग ने हॉन्ग को इंजोर कर दिया था। किंग उसे फिर से एक चांस देता है, कहता है अपनी तलवार नीचे फेंक दो, मैं तुम्हें जीने दूंगा। हॉन्ग इसके लिए नहीं मानता। इस फाइट में ये दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। मरते मरते किंग ने पूछा क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था। हॉन्ग कहता है कि कभी नहीं। हॉन्ग अभी भी थोड़ा सा जिंदा है। किंग के आदमी उसे मार डालते हैं।
इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। किंग ने अपने राज को बढ़ाने के लिए एक गलत रास्ता चूज किया जो उसे सही लग रहा था। होंग ने भी रियलाइज नहीं किया पर उसे क्वीन से प्यार हो गया। उसी के लिए फाइनल उसे जान देनी पड़ी। किंग भी होंग से बहुत प्यार करता था पर हमेशा उसे बिट्रेल ही मिला। ये ट्रेजिक टेल ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।